Hello students, a very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari here, and I'm just going to give you a very interesting explanation, summary and explanation of a very interesting lesson, which is lesson 4 of your Vistas, and named The Enemy. So it is written by Paul S. Buck. Okay. So this story is, you know, a very touching story, and you would get a lot of, you know, lot of expressions, feelings, very mesmerizing, you know, thoughts that you would get here in this lesson. The lesson actually, you know, Enemy. In the summary, I'm going to give you, you know, the detailed explanation. First of all, let me give you the summary of this. Okay, so students, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका जो है स्वागत करता हूँ इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, और आज मैं आपके बीच में लेके हाजिर हूँ एक पहला वीडियो जो है वो लेसन 4 विस्तार से, इसका नाम द एनिमी है, और इसको इसको राइट किया है पर्ल एस बक ने. ओके, सो The summary of this lesson, you know, if you see, The Enemy is a story written by Paul Sidenstriker. Okay, S means Sidenstriker Buck. Okay, Paul Sidenstriker Buck ne is story ko likha hai, and it is about a Japanese surgeon Sadao. Okay, this story is about a Japanese surgeon Sadao. Sadao naam ka ek Japanese surgeon hota hai. ये उसकी स्टोरी होती है सदाओ की. सो ही वेंट टू स्टडी इन अमेरिका एंड मीट्स अ जैपनीज़ गर्ल. वो अमेरिका जाता है, वहाँ पे वो स्टडी करता है, मेडिसिन में स्टडी करता है, एंड देन ही मेट्स जैपनीज़ गर्ल हाना. ओके, हाना जो कि लेटर बिकेम हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ बनती है हाना. देयर ही मैरीज हर एंड ब्रिंग्स हर बैक टू जापान and to settle down over there in Japan. So this was the time of World War II. ये World War II का time था. Thus all the doctors were called upon to serve the Japanese army. सारे doctors को जो है Japanese army में work करने के लिए बुला लिया गया था. Okay, and then after, you know, if you see, so and then after, you know, however they allowed Sadao to stay back. लेकिन सदाओ एक famous doctor था, तो इसलिए उसको जो है उन्होंने allow कर रखा था अपने घर में रहने के लिए. It was because he was tending to the old general who was on his death bed. क्योंकि उसे इसलिए घर पे रखा गया, तो उसे allow किया गया था क्योंकि एक पुराना एक old general था, उसकी देखभाल करने के लिए वो डॉक्टर हायर किया गया था. तो उसकी क्रिटिकल कंडीशंस थी, तो डॉक्टर को देखने के लिए, उसको इलाज करने के लिए वो वहाँ पे रुका हुआ था. ही स्टेड बैक, ही डिड नॉट गो फॉर द वॉर, यू नो रीज़न. हाउएवर वन नाइट एन इंसिडेंट चेंजेस हिज लाइफ. एक रात जो है एक घटना होती है और वो उसके जीवन को बदल देती है सदाओ की. ही इनकाउंटर्स एन अमेरिकन नेवी मैन हु इज़ इंजर्ड बाई अ गन शॉट एंड डाइंग. ओके, उसका सामना होता है, वो उसका घर एक बीच पर होता है जहाँ उसका सामना एक अमेरिकन नेवी मैन से होता है जो कि इंजर्ड होकर के जर्मन सोल्जर्स से, यू नो, इंजर्ड होकर के बाई अ गन शॉट एंड डाइंग, और मरता हुआ सा ना अधमरा सा जा आकर के जो है वो किनारे लहरों के द्वारा किनारे ढकेल दिया जाता है. ऑल्दो सदाओ वॉज इन नो माइंड टू हेल्प द एनिमी. शुरुआत में सदाओ को कोई मन नहीं था क्योंकि वो उसका दुश्मन होता है. अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा होता है तो वो उसका दुश्मन होता है, वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता शुरुआत में. ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड्स हिम विथ मेडिकल असिस्टेंस. लेकिन बाद में वो उसको अंदर ले आता है अपने घर में, और ये जानते हुए कि अमेरिकन है फिर भी वो उसको ला करके जो एक है एक डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है उसको पूरा करता है, उसको निभाता है. ही कीप्स हिम ही न्यू ही हैज़ ओपन डोर्स ऑफ
टू डेंजर बाई हेल्पिंग द एनिमी, उसको ये मालूम था कि उसने अपने लिए खतरों का दरवाज़ा खोल दिया है एक दुश्मन को अंदर ले करके। उसको जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि एक अमेरिकन को लेके आया हुआ है तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। ओके दिन बीतते गए, सोल्जर वॉज नाउ बिगिनिंग टू गेन हिज हेल्थ बैक, धीरे धीरे उस सैनिक की, अमेरिकन सैनिक की तबीयत ठीक होती गई। एंड नाउ द सोल्जर वॉज नो लॉन्गर सदाओ पेशेंट, और अब वो सैनिक जो है सदाओ का पेशेंट नहीं रह गया। सो ही डिसाइड्स टू किल हिम ऑफ हिज इन हिज स्लीप, डॉक्टर फिर डिसाइड करता है कि अगर ये कहीं जाना गया कहीं बाहर तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो उसको मारने के लिए प्रयास करता है, डिसाइड करता है। ही इन्फॉर्म्स द जर्नल ऑफ द अमेरिकन एंड दस द जर्नल रेसिप्रोकेट्स। ओके फिर वो इन्फॉर्म करता है जर्नल को इस अमेरिकन के बारे में, एंड दस द जर्नल यू नो रेसिप्रोकेट्स, जर्नल उसके ऊपर जो है ना उस पर प्रतिक्रिया देता है। वो कहता है मैं कुछ आदमी हायर करके भेज दूंगा, घर पे जाएंगे वहीं पे वो ना मार के चले आएंगे उसको, लूटपाट की तरह लगेगा और वो उसकी जान ले लेंगे। वाइल वेटिंग फॉर द असैसिंस सदाओ स्टार्ट्स नोटिसिंग इट वॉज डिलेइंग। ओके वो इंतज़ार करता रहा, एक या दो दिन इंतज़ार करता है कि कोई आएगा आएगा, लेकिन घर में कोई नहीं आता है और वो डिले लाता है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस कोर्स, हालांकि इस समय के दौरान ह्यूमिनिटी इन सदाओ अराइजेस, सदाओ के अंदर एक मानवता फिर से उगाती है उठाती है। ही रियलाइजेस दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, वो रियलाइज करता है कि वो इंसान है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के लास्ट में उसे महसूस होता है कि वो एक इंसान है, और कैसे वो एक इंसान की जान लेने के लिए जिसको उसने बचाया है उसी को कैसे वो मार सकता है। ओके ही नाउ रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके उसने मानवता के मूल्यों को पहचाना, इसके बाद एक जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है उसकी वैल्यूज़ को भी उसने पहचाना कि दुनिया में सब भाई भाई तो हैं, कैसे हम केवल युद्ध की वजह से दूसरे को दुश्मन समझ सकते हैं, जो मेरी शरण में आया है कैसे हम उसको मार सकते हैं। ठीक है सो फाइनली यू नो ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट, वो इस निष्कर्ष पे आता है दैट द अमेरिकन सोल्जर इज़ नॉट हिज एनमी, कि वो उसका दुश्मन नहीं है, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू अनदर कंट्री, क्योंकि वो किसी दूसरे देश से आता है इसलिए वो उसका दुश्मन नहीं है। ठीक है दस ही राइजेज अबव हिज प्रेजुडाइसेस, अपनी पूर्वाग्रह अपनी जो पहले की फीलिंग्स होती है उससे वो मुक्त होता है, निकल के आता है। एंड डज द राइट थिंग बाई हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर, और फिर उसके बाद सही कार्य करता है, उस अमेरिकन सोल्जर की मदद करता है, उसको वहाँ से भाग निकलने के लिए स्कैप होने के लिए मदद करता है, दस सेविंग हिज लाइफ, और फाइनली इस तरीके से वो उसकी लाइफ को बचा लेता है। ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अ शॉर्ट समरी, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, होप आपको ये समरी यहाँ पे समझ में आई होगी। ओके ऑल राइट सो आगे बढ़ते हैं और अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, लेट्स मूव टूवर्ड, आइए और चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो डॉक्टर सदाओ होकी, ओके हिज फुल नेम वॉज डॉक्टर सदाओ होकी, होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान के किनारे यू नो शी जापान जो ओशन था उसके जापानीज ओशन के किनारे पे उसका घर स्पॉट था, मतलब स्थापित था। ठीक है वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफ एंड प्लेट, जहाँ एक छोटे से लड़के के रूप में वो बचपन में बहुत खेला था। द लो स्क्वायर स्टोन, ना छोटे छोटे जो है स्क्वायर शेप के जो उभरे हुए स्टोन थे वहाँ पे। हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स, उसका घर एक रॉक के ऊपर रखा हुआ था, मतलब स्थापित था। वेल अबव अ नैरो बीच, एक पतला सकरा सा बीच था वहाँ पे। दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, ठीक है, और जो कि झुके हुए पाइन ट्रीज के किनारे जो है एक मतलब आउटलाइन पे उसके था उसका घर। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जब वो एक बॉय था छोटा बच्चा था तो वो जो है उस पाइन ट्रीज पे चढ़ जाया करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने नंगे पाँव अपने आप को उस पर सपोर्ट करते हुए उसके ना नंगे पाँव से वो उसको सपोर्ट करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी, जैसा उसने देख चुका था वो कि लोग जो है साउथ सी में किया करते थे, व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो कोकोनट ट्रीज पे चढ़ा करते थे। ओके
His father had taken him often to the islands. उसके पिता अक्सर उसको जो है islands पे ले जाया करते थे. अब दो चीज़ उन सागरों के बगल में जो islands थे वहाँ पे उसके पिता उसको ले जाया करते थे. And never had he failed to say और ये कहने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे to the little brave boy उस छोटे से बहादुर बच्चे को at his side अपनी ओर से. ओके ये कहने से हिचकिचाते नहीं थे क्या कि those island yonder ओके वो कहा करते थे. ओके वो उसके पिता जो है ये कहा करते थे कि दोज आइलैंड यॉन्डर. यॉन्डर का मीन्स होता है यू नो उसका मतलब होता है सामने वाला है सामने का कि ये जो आइलैंड यॉन्डर से जो सामने के आइलैंड्स हैं. ओके दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान. ये जापान के फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन्स हैं. ये जापान के भविष्य के क्या हैं मील के पत्थर हैं ये. ओके Where shall we step from them? हम इन सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली. सदाव जो है अपने पिता से बहुत सीरियसली पूछता था गंभीरता से पूछता था. Where shall we step from them? ना मीन्स कहाँ से हम इन पे चढ़ेंगे मतलब हमारे फ्यूचर का अगर ये फ्यूचर स्टेपिंग स्टोन है सीढ़ियाँ हैं तो हम इन पे चढ़ेंगे कहाँ से ना कहाँ से इन पे चढ़ेंगे. Who knows कौन जानता है. ठीक है his father had answered उसके पिता आंसर दिया करते थे. Who can limit our future जो हमारे फ्यूचर को सीमित कर सके वो. It depends on what we make it. ठीक है ये डिपेंड करता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं हम क्या बनाते हैं अपने देश को. ओके तो इस तरह से वो बताता है उसके फादर कहते हैं. After it सदाव had taken this into his mind. सदाव ने इस बात को अपने दिमाग में हमेशा से रख लिया. As he did everything his father said. जैसा उसके पिता ने उससे कहा उसने हर चीज़ को अपने मन में बना लिया. His father who never joked or played with him. उसके पिता ने कभी उससे मजाक किए जिन्होंने और ना ही कभी उसके साथ कोई खेल खेला. ओके विथ हिम बट हु स्पेंट इन्फेनाइट पेन्स. लेकिन उसके पिता ने असीमित दर्द सहा अपॉन हिम न हु was his only son. अपने लड़के के लिए जो उनका अकेला लड़का था उसके लिए उन्होंने infinite pains असीमित दर्द जो है सहे. सदाव knew that his education was his father's chief concern. सदाव जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता का सबसे महत्वपूर्ण यू नो चिंता है सबसे महत्वपूर्ण उनका मसला है. For this reason he had been sent at 22 to America. इस रीज़न के लिए इसी कारण के लिए उसके पिता ने अपने बेटे को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया. To learn about all that could be learned of surgery and medicine. ना उसे medicine और surgery में जो कुछ भी वो सीख सकता था उसको सीखने के लिए अमेरिका भेज दिया गया. He had come back at 30. वो 30 साल की उम्र में वापस लौटा. ओके And before his father died, और अपने पिता के मरने से पहले he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. उसके पिता ने मरने से पहले देखा कि उसका लड़का सदाव जो है वो एक famous surgeon ही नहीं हो चुका था बल्कि एक बड़ा doctor scientist भी बन चुका था वैज्ञानिक भी हो चुका था. Okay? So because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. Okay, he was perfecting a discovery. वह एक खोज जो है को perfect कर रहा था एक discovery को perfect कर रहा था उसको अंतिम रूप दे रहा था which would render wounds जो कि घावों को पूरी तरीके से साफ कर सकता था. जो घावों को जैसे घाव अगर आपके पास लगे हुए हैं तो उसके दाग को और पूरे घाव को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता था. He had not been sent abroad. उसे abroad नहीं भेजा गया. ओके ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स ना जो सेनाओं के साथ उसे अब्रॉड नहीं भेजा गया. ठीक है ऑल्सो ही न्यू क्योंकि वह जानते थे देयर वॉज सम स्लाइटर डेंजर दैट द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर कंडीशन. ठीक है क्योंकि वो जानते थे कि द स्लाइट डेंजर एक थोड़ा सा डर है भय है दैट द ओल्ड जर्नल अमेरिकन लोग मतलब सॉरी जर्मन सेना के लोग अधिकारी लोग उन्होंने उसको जो है अब्रॉड नहीं भेजा क्योंकि उन्हें थोड़ा स्लाइटेस्ट डर था एक डेंजर था खतरा था कि जो ओल्ड जर्नल हैं जो बीमार हैं माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ना इस परिस्थिति में उनको एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली ना जिसके लिए उनका मेडिकली ट्रीटमेंट हो रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी और इस संभावना के लिए सदाओ वॉज बींग कैप्ट इन जापान सदाओ को जापान में ही रखा गया. ओके
सो स्टूडेंट्स जापान में ही उसको सदाओ को रखा गया. आफ्टर इट क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, बादल ओशन से जो है बादल ऊपर उठ रहे थे. ओके द अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट. ओके अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ ना, एक अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है कि मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं थी ना, ऐसी गर्मी जो है ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से ऐसी गर्मी बनी हुई थी. हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, जिसकी वजह से हैवी फॉग ना खूब धुंध सा छाया हुआ था. एंड कोल्ड वेव्स और ठंडी ठंडी वेव्स लहरें उठ रही थी सागर से. सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड, सदाओ देख रहा था कि मिस्ट मतलब जो धुंध था, हाइड आउटलाइंस ऑफ लिटिल आइलैंड, एक छोटे से आइलैंड के नज़रिए देखने को उसके किनारों को जो है धुंधला कर रहा था. नियर द शोर जो तट के किनारे था. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और धीरे धीरे वो मिस्ट वो धुंध जो था वो बढ़ते हुए रेंगते हुए, क्रीपिंग मीन्स रेंगते हुए बीच की ओर आ रहा था, बिलो द हाउस से घर के नीचे की तरफ. ओके ब्रीथिंग अराउंड द पाइंस, चारों तरफ से जो है ब्रीथिंग, यू नो ब्रीथ और ब्रीथिंग मतलब एक तरह से बेसिकली हम ब्रीथिंग के कई सेंस होते हैं ठीक है, पर यहाँ पे जो है जो ब्रीथिंग है वो बेसिकली इसको हम घेरना कह सकते हैं, जैसे माला होता है तो ब्रीथिंग सेरेमनी कहते हैं इसको, तो घेरना कह सकते हैं. सो ब्रीथिंग अराउंड द पाइंस, पूरे पाइंस के पेड़ों को घेर रहा था. इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, कुछ ही देर में फॉग जो है वो पूरे घर को रैप कर लेता है, घेर लेता है. देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर, तब वो वहाँ से निकल करके अपने पोर्च से निकल करके अपने कमरे में घर में चला जाता है जहाँ पे उसकी पत्नी उसका वेट कर रही होती है. वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ वो उसका इंतज़ार कर रही थी. ओके स्टूडेंट्स सो आज के लेक्चर्स बस यहीं पे फिनिश करते हैं. होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और डेफिनेटली पसंद आना चाहिए बिकॉज आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द फुल समरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो. और इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन को भी, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. इसके साथ साथ कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बस अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं. सी यू सून एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे.